नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज दुनिया के कई मुल्क बाढ़ की चपेट में हैं। हिंदुस्तान से लेकर चीन और नेपाल तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब ने हजारों आशियानों को डुबो कर रख दिया है। लाखों हेक्टेयर जमीन डूब चुकी है। लोगों के पास अन्न का दाना नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आज सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के हजारों गाँव त्राहिमाम कर रहे हैं। ये कुदरत की विनाश लीला, ये जल प्रहार से मचे हाहाकार की तस्वीरें हैं। हर ओर त्राहिमाम त्राहिमाम, इंसान लाचार, जिंदगी बेबस है। जल तांडव से आज दुनिया के कई मुल्क सिसक रहे हैं। चीन डूब रहा है, नेपाल संघर्ष कर रहा है, हिंदुस्तान में हाहाकार है। कहीं इंसान लहरों में फंसा है तो कहीं गाड़ियां तिनके की तरह बही जा रही हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी के प्रहार के आगे घर मकान जमींदोज हो रहे हैं। पुल पुलिया लहरों के आगे बिखरते जा रहे हैं। खेत खलिहान का नामो निशान नहीं बचा। गांव के गांव टापू में तब्दील हो रहे हैं। बेजवानों पर भी सैलाब का कहर टूटा है। आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि चारों जल तांडव ने जुल्म जुड़ा रखा है। आपको सैलाब के ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश और दुनिया की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां जिंदगी भंवर में उलझ गई। उत्तराखंड के रामनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां 5 लोग जान जोखिम में डालकर लहरों से मुकाबला करने की गुस्ताखी कर बैठे। और फिर क्या हुआ उनका हाल आप खुद देख लीजिए। कार तेज धार में बह गई। कार में एक बच्ची समेत 5 लोग मौजूद थे। ऐसे में एक छोटी सी गलती ने सभी को मौत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कार पलटने से पहले गेट खोलकर निकलने की भी कोशिश की गई, लेकिन नाले के उफान ने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोग भागे भागे कार के पास पहुंचे और रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब के संगरूर में भी सैलाब का कहर दिखाई दिया। घग्गर नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे कई लोग सैलाब के भंवर में फंस गए। मूनक के मकरोट साहिब और फूलत गांव के बीच नदी का किनारा टूट गया, जिससे अचानक खेतों में पानी भरना शुरू हो गया। यहां कई लोग खेतों में काम कर रहे थे। सैलाब में फंसे इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं गांव के कई एकड़ फसल पानी में डूब गए। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनती नदी की चपेट में आकर बांस का बना अस्थायी पुल सैलाब की भेंट चढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बांस की बल्लियों से बना पुल नदी में बहता चला गया। पुल बहने से आसपास के इलाके के कई गांव का संपर्क कट गया। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें भी बिहार से हैं, जहां चंद सेकंड में एक पुल बह गया। दरभंगा में हुई तेज बारिश में ये ब्रिज सैलाब के प्रहार को सह नहीं सका और बहता चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस पुल को सैलाब बहा कर ले गया। दरअसल इन दिनों दरभंगा में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये ब्रिज इलाके के लोगों के लिए आवाजाही का एकमात्र जरिया थी, लेकिन मूसलाधार बारिश में ये पुल भी बह गया। टीम न्यूज नेशन। पहाड़ों पर बारिश जमकर कहर ढा रही है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश से लोग खौफजदा हैं। असम बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इंसानों के साथ जानवर भी बेहाल हैं।
घरों के सामने सैलाब बह रहा है, रास्ते में जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा की ये डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। लहरों का वेग जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई बार बादल फटने के बाद ऐसा खौफनाक मंजर दिखने लगा। पहाड़ों का पानी तेज बहाव के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ा तो लोग जान बचाने के लिए भागे। बताया जा रहा है कि एक महिला मौत की इन लहरों से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन कातिल लहरों ने उसकी जान ले ली। बाद में पुलिस ने महिला की डेड बॉडी को बरामद किया। कुपवाड़ा जिले के बेड़ा रूड़ी इलाके में पहाड़ों से जब मटमैला पानी उतरा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के घरों के सामने से सैलाब शोर मचाता हुआ उफान के साथ बहता रहा। खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि बारिश लगातार जारी है। एक पुल के बहने की बात भी सामने आई है। जम्मू के राजौरी में पिछले 2-3 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे यहां बहने वाली नदियां रौद्र अवतार में नजर आ रही हैं। सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर बह रहा है। पहाड़ी इलाकों में गिर रहा बारिश का पानी नदियों में उफान ला रहा है। हालांकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में बता रहा है, लेकिन जिन लोगों के घर यहां हैं वो बेहद खौफजदा हैं। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी ने तबाही ला दी है। इंसान तो इंसान, बाढ़ से जानवरों की जान पर भी बनाई है। गुवाहाटी में जान बचाते हाथियों की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाढ़ से बचने के लिए हाथियों का झुंड कैमरे पर भागता दिख रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आई हैं। नेशनल पार्क की शान ये गैंडा बाढ़ में फंस गया है। बेबस लाचार गैंडा भी हालातों के आगे हार मान चुका था, लेकिन पार्क प्रशासन ने उसे समय रहते सुरक्षित इलाके तक पहुंचा दिया। यूपी के गाजीपुर में बारिश लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के चलते कई लोगों के कच्चे मकान जमींदोज हो गए। जो कुछ घर बचे हैं वहां पर पानी का डेरा अभी भी मौजूद है। टीम न्यूज नेशन। असम में बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम है। बाढ़ से प्रभावित लोग राहत शिविरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां अभी तक राहत नहीं पहुंची है। बोंगाई गांव के कई इलाकों में हालत बहुत खराब है। पानी पानी सिर्फ पानी, समंदर की शक्ल में हर तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी। असम के बोंगाई गांव में त्राहिमा, यहां घर के घर पानी में डूब गए। खेत कलिहानों का तो पता ही नहीं चल रहा। ओडोबी गांव की ये तस्वीरें हैं जहां ब्रह्मपुत्र नदी के पानी ने सब कुछ आगोश में ले रखा है। बाढ़ से बेहाल गांव वालों को अभी भी प्रशासन की मदद का इंतजार। बताया जा रहा है कि 5 दिन से गांव पानी में समाया हुआ है। कई घर पूरी तरह से डूबने की वजह से लोग खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हैं। यहां आसपास कोई राहत शिविर भी नहीं चल रहा। लोगों को खाने तक के लाले पड़े हैं। केले के तने को नाव बनाकर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पानी जमीन को तेजी से काट रहा है। गांव में बाढ़ का पानी बढ़ने से गाय बछड़ों पर भी संकट आ गया है। चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। अगर यहां पानी पहुंचा तो सोचिए कैसे मवेशियों को बचाया जाएगा। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये स्टेप लेना चाहिए। अगर ये लोगों को थोड़ा सेफ जगह में लेना चाहिए। अगर इससे भी अगर पानी बढ़ जाए तो एक भयानक रूप ले सकता है। 2 दिन से डीसी खूब घूम रहा है, इधर ओडुबी में खूब घूम रहा है। हाँ, जिला प्रशासन महकुमा प्रशासन खूब घूम रहा है, लेकिन घूमने से क्या फायदा। उनको मुंह देखने से तो आदमी को पेट नहीं भरता है। तो अभी तक खाना नहीं माने मिल रहा है ये लोगों को। ओडुबी गाँव में दयनीय हालत है। यहाँ का पुलिस थाना पूरी तरह पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ओडोबी की तरह ही दूसरे गांव में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घरों के आगे 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। 4 दिन से यह बकरी और जो काउ है वो इधर में रहता है। तो सरकार की तरफ से कोई अभी तक आदमी नहीं आया और एडमिनिस्ट्रेशन से आदमी नहीं है। कोई तरह से रिलीफ नहीं दिया है गाँव में। इसको ठाई में लेने के लिए हम गुजारिश करेंगे जिला प्रशासन और आसाम सरकार को। ये एक सप्ताह से डूबा हुआ है ये गाँव। खाने पीने तो कोई सुविधा नहीं है। बच्चा लोग घर में है, खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। पानी भी नहीं है पीने का लायक नहीं है। तो ट्यूबवेल है वो पानी में डूब गया। जाहिर है लोगों को बाढ़ के साथ अब भूख से भी लड़ना पड़ रहा है। लोगों को प्रशासन से
मदद की तुरंत दरकार, लेकिन प्रशासन भी बाढ़ के आगे बेबस ही नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। असम में ब्रह्मपुत्र के कहर की तस्वीर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता लगातार असम के अलग अलग हिस्सों में आए सैलाब के कहर की कहानी आप तक पहुंचा रहा है। असम में जारी है जल कहर, सड़कों पर पानी, घर में पानी। असम में ब्रह्मपुत्र का पानी थोड़ा नीचे तो उतरा है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं है। बारपेटा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की क्या हालत है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। देखिए लोग हाईवे पर मछली पकड़ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे। पहला तस्वीर तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क पर हाईवे पर लोग मछली मार रहे हैं। मछली मारते हुए लोग जाल डाल करके मछली मार रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी अब बिल्कुल सड़कों पर है और सड़कें लबालब इसी तरीके से भरी हुई हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, मैं अभी ज़्यादा बीच में नहीं गया हूँ सड़क के, लेकिन इतना पानी आपको इस सड़क पर मिलेगा। इतना पानी यहाँ पे अभी सड़कों पर है। हालांकि ये सड़कों पर इतना इतना पानी था कमर तक, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया है। असम के इस इलाके में हाईवे पर सैलाब के पानी का बसेरा, तो वहीं पेट्रोल पंप भी डूब चुका है। ऐसे में गाड़ी चले तो कैसे? दिखाते हैं पेट्रोल पंप जो कि 7 दिनों से फिलहाल बंद है। इस पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भराने के लिए आते थे। काफी दूरी पर पेट्रोल पंप है और ज्यादातर लोग इसी पर आश्रित हैं, और ये पेट्रोल पंप फिलहाल अभी बंद है क्योंकि पानी में लबालब डूबा हुआ है। कितनी दिक्कतें होती है पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप मतलब 2 सप्ताह बंद हो जाएगा। रफ्तार पर ब्रेक, जिंदगी सैलाब में बंधक बनी है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, सब परेशान है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब बिन बुलाए सैलाब के मेहमान से त्रस्त। अभी आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे पर पानी का सैलाब इतना ज्यादा है। आज कम तो पहले कितना पानी था? पहले बहुत ज्यादा है। और ये आप जो देख रहे हैं पानी में मेरा पैर है, यहाँ से जो पानी आता है उसमें कीड़े भी आते हैं, तो कीड़े अगर काट लेंगे तो जहरीले कीड़े काटेंगे तो जान का भी खतरा है। नहीं जा पा रहे बच्चे, स्कूल जा पा रहे हो आप? नहीं नहीं। पानी घट रहा है लेकिन इसके साइड इफेक्ट से लोग डरे हुए हैं। खासकर पानी से जहाँ बीमारी का खतरा है, तो वहीं जहरीले सांप लोगों को डरा रहे हैं। हाईवे घर ही नहीं, अस्पताल भी डूबे। ये आप जो सामने अस्पताल देख रहे हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे आप नीचे पहले पानी देखिए, पानी कहाँ तक है मेरे, और मैं भी अस्पताल के अंदर जाकर के लोगों से उनका हाल जानने की कोशिश करूँगा। ये पूरा इलाका जो है बरपेटा के आसपास का इलाका है, पानी से लबालब भरा हुआ है। वहाँ से जो नदी का पानी है वो धीरे धीरे इस पूरे इलाके को घेर चुका है। हालाँकि पानी अब थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन इतना कम नहीं कि बच्चे जो हैं वो आसानी से अंदर जा सकें या बच्चों का इलाज किया जा सके। चुनौती अभी भी बरकरार है। पानी में आप देख सकते हैं लेवल जो है, लेवल कम से कम यहाँ से लेकर के थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, और इस कम होने के चक्कर में कम से कम थोड़ा सा पानी कम होने की वजह से बच्चों को, जो बीमार बच्चे या अगर कुछ किसी महिला को कुछ होता है तो कम से कम वो इलाज के लिए यहाँ पे आ सके, इसलिए अस्पताल को खोला जा चुका है। बंद नहीं क्या? टूटल खुला हुआ है, कल से भी परसों भी। असम में बाढ़ के कहर में 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 29 जिलों में सैलाब के हालात जस के तस बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां गुवाहाटी समेत कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा विस्थापित लोग 427 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जाहिर है कुछ दिनों पर सैलाब का पानी पूरी तरह से उतर जाएगा, लेकिन छोड़ जाएगा ऐसे निशान जो शायद लोगों को बरसों याद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, बारपेटा, असम। बाहर से आधा हिंदुस्तान परेशान है, इसमें भी असम की हालत सबसे ज्यादा खराब है। शहर और गांव तो बाढ़ में डूबे ही हुए हैं, यहां के जंगल भी बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं। खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क इससे काफी प्रभावित हुआ है, और कई बाढ़ की वजह से कई जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा काजीरंगा नेशनल पार्क टापू बन चुका है। नेशनल पार्क में जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी का फैलाव दिखता है। ये बाढ़ काजीरंगा में रहने वाले जानवरों के लिए काल बनकर आई है। हिरण से लेकर हाथी और गेंडे तक बाढ़ की वजह से बेहाल है। इस समय हम काजीरंगा में है, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ग्रस्त इलाके ये हो चुके हैं।
काजीरंगा के जंगल के अंदर इस समय मौजूद हैं। वो जंगल जो करीब काजीरंगा का जो पूरा एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा एरिया फैला हुआ है, लेकिन इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं बाढ़ का पानी किस तरह से अंदर तक पहुंच चुका है। बाढ़ की वजह से हमेशा मस्ती में घूमने वाले जंगली भैंसे भी परेशान हैं। हर ओर पानी भर जाने की वजह से उनका जीना भी मुहाल हो गया है और वो भी परेशान होकर पानी में इधर से उधर दौड़ लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे। काजीरंगा गेंडों के साथ साथ हाथियों के लिए भी जाना जाता है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम को हाथियों का भी एक झुंड नजर आया जो बाढ़ के पानी से बचने के लिए नेशनल पार्क की ऊंची जगहों की ओर बढ़ रहे हैं। तरह से बाढ़ ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ये काजीरंगा जंगल है और आप सामने देख रहे हैं हाथी का एक बड़ा झुंड आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ये सारे जो जानवर हैं वो धीरे धीरे थोड़े से ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं ताकि उनको जो है इस पानी से वो बच सकें और सुरक्षित जगहों पर जा सकें। हाथियों की तरह ही गेंडे भी बाढ़ की वजह से परेशान हैं। एक सींग वाले इन गेंडों को देखने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक सैलानियों की भीड़ इस नेशनल पार्क में जुटती है, लेकिन अभी बाढ़ ने इन बेजुबान गेंडों को भी परेशान कर रखा है। आम तौर पर अकेले रहने वाले ये गेंडे बाढ़ से बचने के लिए लगातार ऊंचे स्थानों की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पानी के लगातार बढ़ने की वजह से इनकी जान भी संकट में पड़ी हुई है। बाढ़ की वजह से काफी संख्या में जानवरों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी बाढ़ की वजह से मरने वाले जानवरों को लगातार हटा रहे हैं ताकि यहाँ जानवरों को किसी भी तरह की महामारी से बचाया जा सके। पानी 3-4 दिन नहीं बरसता है तो ये पानी कम होगा, लेकिन ये अब जानवरों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन चुका है। बाढ़ ने काजीरंगा के साथ साथ पूरे असम को अपनी चपेट में ले रखा है और अभी तक करीब 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये इलाका आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी से अब मिल चुका है। पूरे इलाके में अगर हम बाढ़ से लोगों के प्रभाव की बात करें तो करीब 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और उसके अलावा 15 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है जो घोषित हैं। असम की शान समझा जाने वाला काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में डूब जाने की वजह से नदी का ही एक हिस्सा लगने लगा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में बाढ़ के जल स्तर में कमी आने की उम्मीद है। अगर जल्द ही यहाँ पानी का स्तर कम नहीं हुआ तो ये काजीरंगा में रहने वाले बेजुबान जानवरों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। देखना ये है कि यहाँ पर आप कितनी धीरे धीरे पानी नीचे उतरता, कब तक ये जानवर सुरक्षित होते हैं। वीडियो मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेशन काजीरंगा फॉरेस्ट। आसमानी आफत में बिहार और असम सबसे ज्यादा त्राहिमाम कर रही हैं। दोनों ही राज्यों में पानी के प्रहार ने ऐसी मुसीबत बढ़ाई है कि उन्हें घर बार तक छोड़ना पड़ा है। सैलाब ने जिंदगी को डिरेल कर रखा है। घर में पानी, सड़क पर पानी, खेत खलिहान में पानी, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां पानी का कब्जा ना हो। आज बिहार और पूर्वोत्तर भारत जल प्रहार से कराह रहे हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सैलाब की मार सह रहा है। शहर से लेकर गांव तक ऐसा कोई जगह नहीं जो पानी में डूबा ना हो। बाइक डूबी, कारें डूबी, घर मकान डूबे। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक शहर पानी की आगोश में समा रहा हो। ये मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना है जो सैलाब के शिकंजे में समा चुका है। पुलिस वालों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कटिहार में हर ओर बेबसी की तस्वीर पसरी, लोग घरों में कैद होकर रह गए। कहीं भी आने जाने के लिए केले के तने से बने नाव का ही सहारा है। कई लोग तो जान को जोखिम में डालकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घर में जो भी सामान बचा है उसे बचाने की कोशिश हो रही है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में डूबकर मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक बाढ़ और पानी में डूबकर 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नदियों के उफान की वजह से पानी सरहदें लांघकर लोगों के घरों तक में पहुंच चुका है। वहीं सड़कें अब भी नजर नहीं आ रही।
असम का डिब्रूगढ़ भी डूबा डूबा है। घर के चारों ओर पानी ही पानी है। लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो चुकी है। पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं। मवेशियों के लिए चारा भी नाव से लाया जा रहा है। फिलहाल बारिश थमी हुई जिससे हालात बिगड़ नहीं रहे। टीम न्यूज नेशन। बिहार में बाढ़ से बर्बादी मची हुई है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिंदगी दूभर हो चुकी है। हालत यह है कि लोग सड़कों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। लोगों के सामने साफ पानी और खाने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। अब तो यहाँ खाने के लिए लूटपाट तक मचने लगी है। बाढ़ से लड़कर ये लोग सुरक्षित निकल आए, लेकिन भूख से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हर सुबह भूख से इनकी एक नई जंग होती है। ये बिहार का वो इलाका जो बाढ़ से प्रभावित, सुपौल से दरभंगा के बीच हम नेशनल हाईवे पर हैं। इसी हाईवे पर लोग रह भी रहे हैं, और जब एक राहत की गाड़ी आती है, इस गाड़ी के आगे पीछे छोटे छोटे बच्चे दौड़ने लगते हैं। दो रोटी मिल जाए, एक वक्त पेट भर जाएगा, अगले वक्त देखेंगे पूरा गाँव डूबा पड़ा है। इंतजार इस गाड़ी का रहता है जो खाने के पैकेट लेकर आती है। गाड़ी के दिखते ही लूट मच जाती है। खाना कम और लोग ज्यादा हैं। नतीजा ये कि पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान और बच्चे सभी खाने के एक पैकेट के लिए जूझते हैं। कई हाथ ऐसे भी होते हैं जो खाली रह जाते हैं। फिर भूखे पेट सोने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। एक टुकड़े रोटी की कीमत को समझना है तो आप इस वक्त बिहार के नेशनल हाईवे पर आइए। गांव में पानी भर गया है, लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। खाने की स्थिति यह है कि अगर कोई राहत लेकर किसी एक गाड़ी से पहुंच रहा है, लोग उस गाड़ी की तरफ टूट पड़ रहे हैं। क्या है इसमें भाई? रोटी, भुजिया, पूरी भुजिया। अच्छा, बहुत दिक्कत है अभी खाने का गर्मी के कारण। हाँ, तो आप लोग सब लोग सड़क पे ही रह रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं एक रोटी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ खाने के पैकेट लग रहे हैं वो पेट भर खा पा रहे हैं। पैकेट में बंद इस खाने से एक समय की भूख तो मिटाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वही ठाक के दिन पात हो जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भूख के बाद अब लोगों को यहाँ बीमारी का भी डर सताने लगा है। रोग देखिए कैसे भाग रहे हैं। एक ट्रैक्टर आता है जिसमें कोई खाना लेकर पहुँचता है, और छोटे छोटे बच्चे इन गाड़ियों के पहियों के आगे दौड़ने लगते हैं। ये है आज परिस्थिति इन तमाम इलाकों में। बहुत दिक्कत है खाना का, पूरा गांव डूब गया। पूरा ई टोल डूबल है, एनहर ई टोल डूबल छे, एनहर ऊ टोल, तीन टोल छे एते दूर में। मतलब ई सुखला रही उतर बाई टोल, ई दक्षिण बाई टोल, ऊ पू बाई टोल। खाना लेकर आता है, इससे पेट भरता है थोड़ा भी। देखिए सबके हाथों में एक पॉलिसी। सरकार है ना, मदद करते, भूखे मर रहे हैं, बाहर में भूखे मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या करें। एक गाड़ी अगर कोई लेकर पहुंचता है राहत, लोग भाग रहे हैं। हर चीज के दुख है, हर जाम ना, सब चीज का दुख है। कुल मिलाकर यहाँ हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ये हालात जल्द नहीं सुधरे तो तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सुपौल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।